जय महाप्रज्ञ का जाप करो, जय महाप्रज्ञ का जाप करो, जय महाप्रज्ञ का जाप करो, भव भव का अघ संताप हरो, भव भव का अघ संताप हरो, जय महाप्रज्ञ का जाप करो, जय महाप्रज्ञ का जाप करो। मनुष्य की तीन अवस्थाएं, एक जन्म से 20 वर्ष तक की एक अवस्था, दूसरी 20 वर्ष से 40-50 वर्ष तक की अवस्था, 40 तक की अवस्था, और तीसरी 40 से 60-70-80 की अवस्था। पहली अवस्था निर्माण की अवस्था है, विकास की अवस्था है। इस अवस्था में एक बच्चा अथवा नव युवक अपना निर्माण कर सकता है, विकास कर सकता है। मस्तिष्क का विकास एक साथ नहीं होता, धीरे धीरे होता है, विकास कर सकता है। दूसरी अवस्था है वह फिर परिष्कार की अवस्था होती है। जो कुछ भी कांट छांट करना हो, परिष्कार करना हो, तो 20 से 40 वर्ष तक हो सकता है, और 40 वर्ष के बाद एक शरीर शास्त्रीय नियम के अनुसार फिर उतार शुरू हो जाता है, फिर परिष्कार के स्थान पर परिवर्तन। परिवर्तन की बात सोचनी चाहिए। निर्माण, सबसे पहले मस्तिष्क का निर्माण, शरीर का अवयवों का निर्माण हमारे आहार से, पोषण से होता रहता है, और कुछ बाहरी निमित्तों से होता रहता है, किंतु मस्तिष्क का निर्माण एक चेतना के साथ विवेक पूर्वक करना होता है। मस्तिष्क में बहुत शक्ति है। आज के अध्येता जानते हैं कि हमारे मस्तिष्क में कितने न्यूरॉन्स होते हैं और उन न्यूरॉन्स के कितने कनेक्शन होते हैं। जो व्यक्ति अपने न्यूरॉन्स का अधिक कनेक्शन बनाना जानता है, उतना ही वह विकास कर सकता है, उतना ही वह निर्माण कर सकता है। तो हमें मस्तिष्क के निर्माण की ओर अधिक ध्यान देना चाहिए। मस्तिष्क का निर्माण और उसकी बाधा, इन दोनों पर शिक्षक को भी और विद्यार्थी को विचार करना चाहिए कि सकारात्मक सोच, सकारात्मक विचार, सकारात्मक भाव जितना रहेगा, मस्तिष्क का अच्छा निर्माण और अच्छा विकास होगा। जितना पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव एटीट्यूड जितना होगा, उतना अच्छा विकास और निर्माण होगा। जितना नकारात्मक होगा, उतना मस्तिष्क अविकसित रह जाएगा। चिंतन भी नकारात्मक, नेगेटिव, भाव भी हमारा, एटीट्यूड भी नकारात्मक, अभिवृत्ति भी नकारात्मक, सब नकारात्मक। यह अवस्था 4-5 वर्ष से लेकर और 20 वर्ष तक की अवस्था है,
यह बहुत जागरूकता की अवस्था है। इस अवस्था में माता पिता जागरूक होते हैं, शिक्षक जागरूक होता है, तो एक बच्चे को सकारात्मक दिशा में ले जाता है, और जागरूक नहीं होते हैं तो बच्चे नकारात्मक दिशा में चले जाते हैं। इसी बात को, इसी सच्चाई को प्राचीन साहित्य में संगति, सत्संगति और कुसंगति के नाम से बतलाया गया था। अगर बच्चे को अच्छी संगति मिलती है तो अच्छा निर्माण मस्तिष्क का हो जाता है, और संगति अच्छी नहीं मिलती तो फिर मस्तिष्क का नकारात्मक निर्माण होता है, और वह जीवन भर व्यक्ति को कष्ट देता है। एक छोटा बच्चा गाली दे रहा था, हमने सुना, बड़ा आश्चर्य हुआ कि 4-5 वर्ष का बच्चा इतनी भद्दी गाली दे रहा है। उसकी माँ से पूछा, पिता से पूछा कि तुम नहीं समझते हो, तुम्हारा बच्चा अभी इतनी भद्दी गाली देता है और भविष्य में तुम्हारे लिए ये कितना खतरनाक बन जाएगा। बोले क्या करें, हम जानते तो हैं, पर कि ये बच्चा ऐसे लोगों की संगति में रहता है, पलता है, जो गाली के सिवाय बोलते नहीं है, तो बच्चा गाली देना सीख जाता है। बहुत बड़ा कारण बनता है संगति का, परिस्थिति का। हम परिस्थितिवाद को अक्सर से स्वीकार न करें, किंतु परिस्थितिवाद को बिल्कुल नकार भी नहीं सकते। जैसी परिस्थिति, जैसा वातावरण, जैसी संगति मिलती है, वैसा निर्माण होता है। यहाँ जागरूकता का बिंदु है, और इस जागरूकता का बिंदु हर अध्यापक और अभिभावक को पकड़ना चाहिए, जो चाहते हैं मेरा बच्चा अच्छा हो, सुखदायी हो, केवल पढ़ा लिखा नहीं, पढ़े लिखे तो युवक युवतियाँ अपने माता पिता को काफ़ी कष्ट भी देते, काफ़ी सताते हैं, किंतु साथ साथ उनका भावात्मक विकास अच्छा हो, भावात्मक विकास, इमोशनल डेवलपमेंट, भावात्मक विकास वह इतना अच्छा हो कि वह सुखदायी बन जाए, यह निर्माण की अवस्था है। इससे आगे जाएं, जिन राष्ट्रों में परिवर्तन हुआ है या जिन राष्ट्राध्यक्षों और शासकों ने परिवर्तन किया है, वह शिक्षा के माध्यम से किया है। शिक्षा के साथ ऐसे संकल्प, ऐसा मनोबल बढ़ाने वाला तत्व, ऐसी कल्पनाएं उनको दी है कि पूरा राष्ट्र बदल गया, राष्ट्र का चेहरा बदल गया। और जब शिक्षा के साथ केवल पाठ्यक्रम पढ़ा दिया, जानकारियां दे दी, सूचनाएं बहुत बता दी, सारा इन्फॉर्मेशन, केवल बस इन्फॉर्मेशन, सारा इन्फॉर्मेटिव नॉलेज सारा वह हो जाता है, कोरी सूचनाएं होती है, तो उससे जीवन का निर्माण नहीं होता। जानकारी तो बढ़ती है पर जीवन का निर्माण नहीं होता। जानकारी होना एक अलग बात है और जीवन का निर्माण होना बिल्कुल दूसरी बात है। तो केवल जानकारी से नहीं होता, जानकारी बहुत साथ भी नहीं देती, साथ नहीं देती। तो फिर मस्तिष्क का विकास जिन तत्वों के आधार पर हो, उनको हम दो वर्गों में वर्गीकृत कर दें। एक है परिस्थिति और एक व्यक्ति की है अंतस्थिति। परिस्थिति तो बाहर की होती है और अंतस्थिति अपने भीतर की होती है। केवल परिस्थिति पर निर्भर नहीं रहना है, हमें अंतस्थिति का, अपनी अंतस्थिति का विकास करना है। जीवन विज्ञान यह परिस्थितिवादी योजना नहीं है, यह अंतस्थिति के निर्माण की योजना है। हम अपने आंतरिक व्यक्तित्व को कैसे विकसित करें,
और आंतरिक व्यक्तित्व का जो प्रतिनिधि तत्व हमारे पास है वह मन नहीं है। यह मेंटल डेवलपमेंट की बात बहुत है पर वह कोई बहुत महत्वपूर्ण बात नहीं है। वह सारा है इमोशनल डेवलपमेंट। हमारे इमोशन हमें सबसे ज्यादा प्रभावित करते हैं और व्यक्ति का सारा संचालन उसके इमोशन के आधार पर होता है। इमोशन का निर्देश मन को होता है, मन फिर शरीर पर काम करता है, इंद्रियों पर काम करता है। तो मूल तत्व हमारा है भाव तंत्र। जब तक शिक्षा के साथ भाव तंत्र के परिष्कार की बात नहीं जोड़ी जाएगी तो फिर हम विद्यार्थी जगत से नैतिक मूल्यों के विकास, चरित्र की बात नहीं सोच सकते, कल्पना नहीं कर सकते। यदि चरित्र का विकास करना है, नैतिक मूल्यों का विकास करना है तो शिक्षा के साथ भाव तंत्र के परिष्कार की बात को जोड़ना आवश्यक है। और जीवन विज्ञान का अर्थ ही है कि शिक्षा के साथ भाव तंत्र को परिष्कृत करने की योजना, उसका नाम है जीवन विज्ञान। हम भाव तंत्र का परिष्कार कर सकें, अपना भाव तंत्र, उसके लिए हमने योग विद्या जो भारत की एक प्राचीन विद्या है उसका प्रयोग किया है। आचार्य तुलसी केवल प्राचीनतावादी नहीं थे, बिल्कुल आधुनिक चिंतन था विकास के लिए। तो हमने उसके आधार पर योग विद्या, अध्यात्म विद्या के साथ साथ शरीर विद्या, शरीर क्रिया विज्ञान, शरीर विज्ञान, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, और फिर आज की जो विकसित कुछ विद्याएं हैं मनोविज्ञान, साइकोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री आदि आदि, जो हमारे शरीर और रासायनिक जैव रासायनिक तत्वों से संबंध रखने वाली विद्याएं हैं, उन सब का प्रयोग कर एक पद्धति तैयार की, प्रेक्षा ध्यान, यानी अध्यात्म विज्ञान का एक समन्वय, प्रेक्षा ध्यान। आचार्य तुलसी ने एक बार कहा, प्रेक्षा ध्यान का शिविर होता है, हजारों हजारों लोग बदल रहे हैं, उनका चरित्र बदल रहा है, उनका चिंतन बदल रहा है और बदल रहे हैं, किंतु ये बदलेंगे और नई पीढ़ी आएगी, विद्यार्थी आएंगे, फिर वैसे ही बन जाएंगे, इसका कहीं अंत नहीं होगा। तर्कशास्त्र का एक शब्द है अनवस्था। अनवस्था कहीं अंत नहीं है, इन्फिनिटी, कहीं अंत नहीं है जिसका, तो फिर कैसे होगा। इस चिंतन के साथ प्रेक्षा ध्यान और अणुव्रत का प्रयोग जीवन विज्ञान के रूप में किया गया, एक योजना बनाई गई और वह योजना परीक्षा में गई। देखा कि विद्यार्थियों में काफी परिवर्तन हो रहा है, उनका चरित्र बदल रहा है, भाव बदल रहा है। सबसे ज्यादा जो कसौटी है, मानदंड है, वह है परिवर्तन, कि विद्यार्थी के जीवन में कितना परिवर्तन आ रहा है, उसके व्यवहार में परिवर्तन, उसके संस्कारों में परिवर्तन, उसके आचार में परिवर्तन, चिंतन में परिवर्तन कितना आ रहा है। राजस्थान का प्रसिद्ध है एक जिला सीकर, सीकर में जीवन विज्ञान का प्रयोग चल रहा था। एक दिन एक छात्र अपने घर गया, पिता थोड़ी अवस्था थी ऐसे झुककर बैठे, जाते ही बोला नम्रता के साथ हाथ जोड़कर, पिताजी आप सीधे बैठे, अगर आप ऐसे बैठेंगे तो और जल्दी बूढ़े बन जाए। पिता ने फिर हमारे जो कार्यकर्ता है अच्छे शिक्षक सिद्धा जी, जो बहुत जयपुर में वहां स्कूलें चला रहे हैं, उनसे कहा कि आप आजकल क्या पढ़ा रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं। उन्होंने कहा हम इनको जीवन विज्ञान पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छा है, इसने मुझे भी बताया कि कैसे बैठना चाहिए। वही मैं बात बोकारो झारखंड की बात आपको बताऊं कि 250 स्कूलों में चालू क्यों हुआ,
कि वे विद्यार्थी जाते, माँ अस्वस्थ है, कहते माँ कायोत्सर्ग करो, तुम स्वस्थ हो जाओगी। अब माँ को छोटा बच्चा 10 वर्ष का कायोत्सर्ग का प्रयोग करा रहा है और किसी को कुछ बता रहा है। एक ऐसा वातावरण फैला अपने आप कि इतना व्यापक हो गया। हमने कोई बहुत ज्यादा प्रयत्न नहीं किया और बहुत ज्यादा प्रयत्न में हमारा विश्वास भी नहीं है। अगर गुणवत्ता है, फूल में सुगंध है, तो हवा अपने आप उसको फैला देती है। वह नहीं है, 1000 प्रयत्न करो तुम्हारा काम नहीं होगा। तो अपने आप ऐसा फैला, मांग बढ़ी और आज लाखों लाखों विद्यार्थी कर रहे हैं और अच्छे परिणाम आ रहे हैं। छोटे छोटे विद्यार्थी हैं, छात्राएं हैं, छात्र भी हैं। छात्रा तो सोचे, अभी तो पढ़ रही हो, पढ़ने के बाद एक अवस्था होती है, लड़की घर में रहती है, फिर अपने ससुराल में जाती है। अगर तुम्हारे गुस्से पर तुम्हारा कंट्रोल है, तब तो घर में रहो, अपने माता पिता के पास रहो, चाहे अगले घर में जाओ, सब जगह सम्मान होगा। लड़ाई गुस्सा कलह लेकर जाओगी तो क्या होगा? लोग सोचेंगे कि क्या हुआ, एक ऐसा आ गया जो रोज लड़ाई धंधा चलता है। भविष्य का भी सोचना है, पढ़ाई के साथ साथ भावी जीवन की योजना भी बनाना है कि हमने अध्ययन किया, आगे किसी प्रोफेशन में चले गए। आजकल साइंस में जाते हैं, कोई इंजीनियर, कोई डॉक्टर आदि आदि सब बनते हैं, एक आकांक्षा होती है। बहुत लोगों से, छात्रों से पूछा, बोलो क्या बनना चाहते हो? एक बोला इंजीनियर, कोई बोला डॉक्टर, कोई बोला पायलट, कोई बोला कुछ, सब ने अपनी आकांक्षा बता दी। फिर मैंने कहा, ये अच्छी बात है, नंबर 2 की बात तो तुम करते हो, पहले नंबर की बात भूल गए। पहले नंबर की बात है, पहले को अच्छा इंसान बनना है, फिर डॉक्टर और इंजीनियर बनना है। सब ने एक साथ किया, अच्छी बात है। सबसे पहले क्या बनना है? अच्छा इंसान, अच्छा आदमी बनना है। अगर अच्छा आदमी है तो सब कुछ अच्छा होगा। अच्छा आदमी नहीं हुआ और डॉक्टर बन गया तो आजकल डॉक्टर भी कम नहीं सताते हैं, पैसे पर इतने हैं। हम बहुत कथाएं जानते हैं डॉक्टरों की भी, कि किस प्रकार पैसे के कारण क्या क्या करते हैं। ऑपरेशन की जरूरत नहीं है, फिर भी कितना क्या हो गया। आचार्य तुलसी दिल्ली में थे, एक सेना का अधिकारी जो निवृत्त हुआ था आया और बोला, आचार्य जी मैं क्या करूं, आप मुझे परामर्श दें। आचार्य जी ने कहा, क्या बात है? कि मैं यहाँ चिकित्सा कराने के लिए 40,000 रुपया लेकर आया था, वह मेरा 40,000 तो टेस्टों में ही पूरा कर दिया, अब मैं करूँ क्या, चिकित्सा क्या करूँ, क्या चलता है? अच्छा आदमी नहीं होता है तो चाहे तो डॉक्टर हो, चाहे इंजीनियर हो, चाहे कुछ भी हो, समाज को वह अच्छाई तो नहीं दे सकता। अच्छा आदमी, आजकल बहुत बार ये शिकायत आती है कि पुल टूट गई, इतने लोग मर गए, विद्यालय का मकान ढह गया, यह हो गया, वह हो गया, समाचार पत्रों में आता रहता है। क्यों होता है? आदमी अच्छा नहीं है। सबसे पहली बात है अच्छा आदमी। और अच्छा आदमी कौन हो सकता है? जिसमें नैतिक मूल्यों के प्रति विश्वास होता है, नैतिक मूल्यों का विश्वास, वह अच्छा आदमी हो सकता है। विद्यालयों का, शिक्षा संस्थानों का पवित्र कर्तव्य है कि विद्यार्थी में नैतिक निष्ठा पैदा करे, चरित्र की निष्ठा पैदा करे। अगर वर्तमान पीढ़ी में हम ऐसा कर सके तो आज की पीढ़ी में जो हो रहा है, पहले तो छोटा सवाल चलता था, भ्रष्टाचार तो बहुत छोटा हो गया, अब घोटाला उससे बड़ा हो गया और महा घोटाला भी सामने आ गया। अब भला और क्या आएगा, फिर कोई आकाशीय घोटाला आएगा? ये सारे घोटाले, सारी गड़बड़ियां, सारी अव्यवस्थाएं क्यों होती है? कि आदमी का अच्छा निर्माण नहीं होता।
हमारी मस्तिष्क का अच्छा निर्माण नहीं होता, और जब तक मस्तिष्क का निर्माण नहीं होता और ये निष्ठा पैदा नहीं होती, कितनी पढ़ाई हो जाए, परिणाम जो आना चाहिए वह राष्ट्र के लिए समाज के लिए कल्याणकारी नहीं होगा। शिक्षा ही तो एक माध्यम है, आप कहीं भी ले जा सकते हैं शिक्षा के माध्यम से। हम शिक्षा के माध्यम से विद्यार्थी का इतना मनोबल बढ़ा दें जिससे कोई स्थिति आए कभी गलत का आचरण नहीं करेगा, कभी बेईमानी का काम नहीं करेगा, प्रामाणिकता को नहीं छोड़ेगा, ईमानदारी को नहीं छोड़ेगा, कुछ भी आ जाए, पर वह तब होता है जब हमारी निष्ठा पैदा हो जाए। निष्ठा ही नहीं है तब कोई फर्क नहीं पड़ता। कहते हैं ना कि एक आदमी ऊंच बहुत ऊंची रखता था, ऐसी कहावत थी राजस्थान में थी, जहां भी होगी शायद, कि ऐसी मूंछ के नींबू भी टिक जाए। तो किसी गांव के ठाकुर ने कहा कि देखो मेरे गांव में रहो तो मुझसे ज्यादा मूंछ ऐसे नहीं रख सकते, नीचे रखनी पड़ेगी। उसने कहा मेरा क्या है, मैं तो व्यापार करने वाला आदमी हूँ, ऊंची नहीं तो नीचे से ही आप नाराज क्यों होते हैं। बदल जाता आदमी, क्योंकि मनोबल नहीं होता, संकल्प का बल नहीं होता, तो उसमें बदलने की बात रहती है। और फिर एक समस्या और है जो भारी समस्या है, प्रारंभ से विद्यार्थी को अपने भीतर आनंद खोजने की बात नहीं सिखाई जाती है, और वह आनंद अपने इमोशन पर कंट्रोल करने से होता है, वह नहीं सिखाई जाती है, तो फिर नशा का द्वार खुला। बस आज नशे की आदत बढ़ी है, बहुत नशा बढ़ा है, और नशा तो इतना बड़ा विश्व का व्यवसाय हो गया कि एक अर्थ में देखें तो आज सरकारों की सारी सत्ता नशे पर चल रही है। बहुत बार सरकारें सोचती है कि शराब बंद कर दी जाए तो दूसरी ओर प्रश्न आता है हमारी आय कम हो जाएगी। आय कहाँ से आ रही है, आय का सबसे बड़ा स्रोत क्या है, नशा। सरकारी चिंतन में डूब जाती है। अनेक बार आचार्य तुलसी ने अनेक मंत्रियों से कहा कि आप कांग्रेसी हैं, गांधीवाद को मानते हैं, गांधी के विचारों को मानते हैं, फिर आप नशाबंदी क्यों नहीं करते। बोले आचार्य जी आपका कहना तो ठीक है, नशाबंदी करेंगे तो हमारा राजस्व फिर आएगा कहाँ से। जिस देश का राजस्व का बड़ा स्रोत ये नशा हो जाए उस देश को भगवान ही बचा सकता है, और कैसे बचाएगा। ये नशे की आदत क्यों आती है कि तनाव में चले जाते हैं, फिर पता नहीं लगता, नशे में कोई पता नहीं चलता। एक शराबी आदमी नशा में धुत होकर और सड़क के बीच जाकर लेट गया। टांगे वाला आया, उसने कहा शराबी हट जा नहीं तो तेरा पैर कुचल जाएगा। अब नशे में चूर था और थोड़ा देखा, देखकर बोला तू चला ले, मुझे क्यों कहता है, अरे तेरा पैर कट जाएगा। तो मेरा पैर है ही नहीं, मेरे पैर में तो जूता था, जूते वाला है, इस पैर में जूता नहीं, मेरा पैर किसी ने जूते निकाल लिए थे नशे में। अब अपनी पहचान ही आदमी खो देता है कि यह पैर मेरा नहीं है, तो मजे से टांगा चला, रुकने की जरूरत नहीं। नशे में पता नहीं क्या क्या होता है, हमने गाँव में देखा यह स्थिति बनती है। प्रारंभ से विद्यार्थी में ऐसे संस्कार का निर्माण हो जाए तो उसे नशे में जाना न पड़े। तनाव है तो नशे में जाने की बात होती है, तनाव मुक्ति का प्रयोग करा दिया जाए और तनाव मुक्त होने का फार्मूला सिखा दिया जाए तो शायद नशे में नहीं जाएगा। आपको पता है आपका बायां नथुना आपके दाएं मस्तिष्क का संचालन कर रहा है, प्रभावित कर रहा है, और आपका दायां नथुना राइट स्वर सूर्य स्वर ये बाएं नथुने को प्रभावित कर, बाएं मस्तिष्क को प्रभावित कर रहे हैं। मस्तिष्क में दो पटल तो मान लिए, एक दायां और एक बायां, एक राइट हेमिस्फीयर और एक लेफ्ट हेमिस्फीयर, दो भाग तो मान लिए, पर उनको कौन प्रभावित कर रहा है, हमारा श्वास कर रहा है। तो मैं तो मानता हूँ कि प्रारंभ से विद्यार्थी को श्वास लेने की कला सिखा दी जाए तो निर्माण की 50% तो बात आपकी पूरी हो गई। ओम
श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। गुरवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः।